कुराली दे नजदीकी ब्लॉक माजरी दे पिंड खिजराबाद दे इतिहासिक गुरुद्वारियां दे विच होला मोहल्ला दौरान लखा श्रद्धालु नतमस्तक होण दे लई पुज्जे। दस दी कि पिंड खिजराबाद दे इतिहासिक गुरुद्वारे बाबा जोरावर सिंह अते दमदमा साहिब दे विच होला मोहल्ला दे दौरान लखा श्रद्धालु नतमस्तक होए अते इस मौके वख-वख जथेबंदियां दे वल्लों गुरबाणी कीर्तन कीता गया अते श्रद्धालुआं नूं निहाल कीता गया। इस मौके गुरुद्वारा जोरावर सिंह दे प्रधान सुखविंदर सिंह ने दस्सिया कि गुरुद्वारे दे नाल बाबा जोरावर सिंह दीआं कई यादां जुड़ियां ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं दैनिक सवेरा टीवी समूह स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जो कि अज धन धन बाबा जोरावर सिंह के पावन पवित्र अस्थाना पर अमर शहीद धन धन बाबा जोरावर सिंह जी के जो सालाना जोड़ मेले अज खिजराबाद की पावन पवित्र धरती से मनाए जा रहे हैं, उन्हां दी कवरेज करने वास्ते पहुँचे ने अते देशों विदेशों च बैठी समूह नानक नाम लेवा संगत इस नूं सीधे प्रसारण नहीं देख रही है। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पालत पुत्र दा रुतबा प्राप्त जोरावर सिंह जी होए ने, जो कि बाबा जीत सिंह जी दे हम उम्र अते बाबा जोरावर सिंह जी दे नाल उन्हां दा मूँह मांदरा मिलता जुलता सी। बाबा जोरावर सिंह जी बसी पठाणा दे रहण वाले, पिता नथू राम अते माता पीखी जी दे सपुत्र सन। माता पिता दे नाल श्री आनंदपुर साहिब दी पावन धरती ते पहुँचे अते उत्थे दी हो के रह गए। माता पिता दे काले चलाने तो बाद छोटे साहबजादियां नाल खेले पले, शास्त्र विद्या सीखी, घोड़सवारी सीखी। एक दिन गुरु महाराज जी कुश्तियां करा रहे सन, बाबा जीत सिंह जी नाल कुश्ती कराई, बाबा जीत सिंह जी नूं बाबा जोरावर सिंह जी ने ढा लिया अते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बाबा जोरावर सिंह जी नूं अपनी बुकल विच लै के अपने नादी पुत्र दा वर दिता कि तू मेरा जोरावर है। जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छड़िया तद मलकपुर रंगड़ा के नज़दीक भाई विचित्र सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी अते अनेक सिंह सूरमे जख्मी हालत होए, उसने शहीदियां प्राप्त कीतियां। भाई विचित्र सिंह जी कोटला नहंग खान के घर चले गए अते भाई बाबा जोरावर सिंह जी गोहणीय परिवार के ग्रह विखे पहुँच गए। लेकिन इन्हों का रोपड़ के नज़दीक रहना गोहणीय परिवार ने मुनासिब ना समझा, क्योंकि थाना नज़दीक सी, उन्होंने गड्डी दे विच पा के डडहेड़ी पिंड उन्हों की भूआ के पास पहुँचते किया। माता जी भूआ जी ने उन्हों की दुआ दारू की, ठीक अवस्था होने उपरंत बाबा जोरावर सिंह जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भाल के पिंड गाणा ते हुंदे होए खिजराबाद की पावन धरती ते पहुँचे। इस धरती ते आण के उन्होंने तपस्या की, इतों इलाके दे सिंघां नूं इकट्ठे करके गुरु महाराज की भाल विच निकले। मालवे की धरती नूं हुंदे होए साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मेल आगरे की धरती ते होया। आगरे ते पंजाब वास्ते मिशन ते भेजा, मिशन नूं सफल करदे होए दोबारा फिर जो आगरे मथुरा के नेड़े दूसरा मेल होया, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बहादुर शाह के नाल दक्षण वल जा रहे सन। जदों इन्होंने उतारा चित्तौड़गढ़ के नेड़े किया तो साहिब बाबा जोरावर सिंह जी अते भाई मान सिंह अते बीप चंगी सिंह ने किला देखने की इच्छा प्रगट की। जदों किला देखने गए ये सारे सिंह शस्त्रधारी सन, तां उत्थे दे जो राजे सन उन्होंने इन्हां नूं शस्त्र नाल लिजा के किला देखण तों मना कर दिता और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शान के खिलाफ बोले। जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के शान के खिलाफ ये गल्लां सुनिया तां चित्तौड़गढ़ के किले के नेड़े जो उत्थे दा मेन गेट है
उत्थे काफ़ी भारी युद्ध होया जिस विच बाबा जोरावर सिंह जी भाई मान सिंह जी निशांत सिंह बीप सिंह सिंघा ने शहीदी प्राप्त की। जो गुरु महाराज जी को पता लगा तो उन्होंने गंभीरी नदी के कंडे ते इन्हों का संस्कार किया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने जिंदे जी तीन व्यक्तियों के तीन सिंघा के संस्कार किए ने अपने हाथी के साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का बाबा जोरावर सिंह जी का इन्हों के अपने हाथी संस्कार किए। ये होला महला साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों आनंदपुर साहब की धरती से होला महला मनाया सब तो पहला खिजराबाद की धरती तो होले महले की शुरुआत हुई। खिजराबाद तो होला शुरू होकर कीरतपुर साहब उस तो उपरंत आनंदपुर साहब की धरती से जाके होले महले की पूर्ण संपूर्णता ही होती है। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने होले के जो सिखा वर दते ने शस्त्रधारी होने दे सो सानू शस्त्रधारी होके जुलम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इतने सर कि प्रोग्राम ने जो इस दिनों करवाए जाते हैं। इस गुरद्वारा साहब विखे दसवीं का पवित्र दिहाड़ा हरेक महीने की संगरान गुरु पीर गुरुआ के सारे के अवतार पुरब मनाए जाते हैं। बड़ी धूमधाम इस अस्थान से संगत देशों विदेशों तो इस अस्थान पर पहुँचदिया ने नतमस्तक होने वास्ते। जो सालाना जोड़ मुला मेला है ये हर साल मनाया जाता है और देशों विदेशों तो जिते कितने भी बाबा जोरावर सिंह जी मनण वाले इन्होंने वाशक ने भावें कितने भी हो जोड़ मेले से इस अस्थान पर पहुँच के उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट कर दें। जो गुरद्वारा साहब का प्रबंध है वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सैक्शन 87 अधीन चुनी हुई लोकल कमेटी है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के रहनुमाई के हेठ जो ये सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। दूजे पासे गुरुद्वारा दमदमा साहिब दे प्रधान हरचरण सिंह ने दसिया कि इस गुरुद्वारा साहिब दा इतिहास श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल जुड़िया है। कोई जानकारी दियोगे कि जिस तरह होली तो बाद होला महला मनाया जाता है इतने कुछ दिन पहला मनाया जा रहा है। सब तो पहला फतेह प्रवान करियो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिहड़ा ये सालाना होला महला है उहदी इतिहासक जिहड़ा साडे पिंड दा है इस स्थान ते भगाणी दे युद्ध जदों होया सीगा पौंटा साहब दे नेड़े उदों गुरु गोबिंद सिंह जी जांदे होए ते युद्ध नूं जित के वापसी ते आउंदे होए इस स्थान ते जिहड़ा पिपल दा दरख्त है इत्थे बैठ के उहनां ने रैसट कीती सी ते घोड़ा बन्निया सी। इस स्थान दी मतलब जिहड़ा हिस्ट्री इह है। जिहड़ा होला महला है होला महला खिजराबाद तो स्टार्ट आता है 8-9-10 चेत का महीना जिहड़ा अपना जिहड़ा सिख इतिहास विच नवे साल का टाइम है उहदे मुताबिक 8-9-10 चेत का मतलब जिहड़ा डेट है उहनूं इत्थों स्टार्ट आता है। इस तो बाद कीरतपुर साहब तो आनंदपुर साहब जाके होले महले की समाप्ति होंदी है। जिस तरह के दो गुरद्वारा साहब ने जी दोनों के विच ही अलग अलग तौर पर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं यह गल इदा जी जेडे दोने गुरद्वरे है दोने गुरद्वरे इतिहासक है। जोड़ा ये गुरद्वारा है ये गुरु गोबिंद सिंह के नाल संबंधित है गुरद्वारा दमदमा साहब पातशाही दसवीं तो जोड़ा दूजा गुरद्वारा है उन्होंने भी इतिहास के नाल संबंध है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी इतने आए थे जेडे उन्होंने छोटे साहबजादे से उन्होंने जेडे बाबा जोरावर सिंह ता जेड़े उस गुरद्वारे का इतिहास है उन्हां दे एक भगतां विच्चों एक बाबा जोरावर होया है उन्हां दी कुश्ती साहिबजादे बाबा जोरावर नाल होई सीगी ते जेड़े ओह सीगे उन्हां ने साहिबजादियां नूं हरा दित्ता सीगा ता उन्हां दे मतलब उदों
उन्हां दा जिहड़ा नां सीगा गुरु गोबिंद सिंह ने बाबा जोरावर सिंह दे नां दे उत्ते ही रख दिता सीगा। उहदे कारण मतलब जिहड़े दोने गुरद्वारे हिस्टरी दे नाल संबंध रखते हैं, इहदी लोकल कमेटी है जिहड़ा उस गुरद्वारा है बाबा जोरावर सिंह दा, उहदा जिहड़ा कंट्रोल है उह श्रोमणी कमेटी दे अंडर हुंदा है। किन्ने दिन दा प्रोग्राम है ते उलीके जांदे ने जी? ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਕਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਿਰਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17-time ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ, ਮੌਲਵੀ, ਬੇਗਮ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84-374-94-648, 84-374-94-648। ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98-768-045-80-88-617। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ, ਦੈਨਿਕ ਸੂਰਿਆ ਟਾਈਮਜ਼।